हेलो एवरीवन, अभी मैं हूँ मैकलोडगंज में और अभी मुझे जाना है भागसनाक वाटरफॉल पे। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितनी दूर है, और मैं अभी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ ये मैकलोडगंज का मार्केट है और बस यहीं से शुरू हो जाती है इसकी चढ़ाई। तो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है और आज वेदर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई थिंक अभी बारिश भी हुई थी और फिर होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ पे जा पाते हैं या नहीं। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ भागसनाक वाटरफॉल। आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना सुंदर व्यू है सामने का, कितना क्लाउडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी जो वाटरफॉल है वो काफ़ी आगे है, शायद अभी यहाँ से नहीं देख पा रहा क्योंकि आगे काफ़ी क्लाउडी है। तो एज सच भीड़ वगैरह तो ज़्यादा नहीं है और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, बट जो व्यू है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। तो आप शायद देख पा रहे होंगे सामने वाटरफॉल है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो ऊपर चढ़ना वैसे काफ़ी मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं कि पहुंच पाते हैं या नहीं। बट जो व्यू है यहाँ का वो वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि अभी दोपहर का टाइम हुआ है। अभी कितना बजा है, अभी बजा है 1 दोपहर का। तो मौसम भी ज़्यादा ना ठंडा है ना गर्म है, ठीक ठाक है। और एक रास्ता यहाँ से नीचे जाने का भी है, तो कुछ लोग यहाँ से नीचे भी जा रहे हैं। जो लोग ज़्यादा दूर वॉक करके क्लाइंब करके नहीं जा सकते तो वो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो क्योंकि जो वाटरफॉल है उसका पानी नीचे भी आता है। तो फोटोग्राफी वगैरह कुछ करनी है या फिर कुछ लोगों को ऊपर नहीं जाना तो वो नीचे भी जा सकते हैं। तो वो रास्ता यहाँ से है और वाटरफॉल के लिए सीधा रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बट हम तो कोशिश करेंगे ऊपर तक जाने की। और भीड़ वगैरह तो कुछ खास नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो चलिए, बने रहिए व्लॉग में और आगे देखते हैं, जो भी होता है दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मेरे साथ।